एचआईवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस और पीपी एचआईवी एक्सपोजर के बारे में मैं आपको आगे समझाऊं, उससे पहले आज के सवाल का जवाब हम जान लेते हैं। आज का सवाल है, यदि पिछले 3 दिन के अंदर यानी कि 72 आवर्स में यदि आपका कोई एचआईवी एक्सपोजर हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक बार के किसी किस्म का एक्सपोजर से एचआईवी होने की संभावना आपको कितनी है। यदि आपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। और यदि आपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है और कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना है तो आपको एचआईवी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एचआईवी होने की संभावना अंदाजित 0.001% है, यानी कि आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी आपको एचआईवी होने का खतरा बहुत कम है और आप सेफ यानी कि सुरक्षित होने की संभावना 99.999% है। तो सबसे पहले आप शांत हो जाइए, डरे नहीं। जितना आप डरेंगे उतना आप गलत निर्णय लेंगे। दूसरी बात, 3 दिन के अंदर कभी भी किसी भी किस्म के एचआईवी का वायरस यदि किसी के अंदर एंटर होता है तब भी किसी भी किस्म का सिम्टम्स नहीं आ सकता। इसलिए यदि आप कोई सिम्टम्स को महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वह सिम्टम्स एचआईवी का नहीं है, वह किसी और कारण से है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप ये बात नहीं समझेंगे तो आपका डर आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि एचआईवी का निदान कभी भी किसी भी किस्म के लक्षण या सिम्टम्स के आधार पर नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है सही समय पर कराई गई टेस्ट। तो याद रखिए, किसी भी किस्म के लक्षण को इसके साथ में ना जोड़े। तो अब आपको क्या कोई इस समय पर आप टेस्ट कर सकते हो? तो नहीं। शुरुआती 3 दिन के अंदर एचआईवी का टेस्ट कर आपको आपका इस एक्सपोजर से एचआईवी हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा बता दे, ऐसी कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आप अभी कोई टेस्ट नहीं कर सकते। क्या इस समय के दौरान आप कोई दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो? तो हाँ, यही और सिर्फ यही समय है कि जब आप एचआईवी को रोकने के लिए किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। और यह दवाई है एलोपैथी एआरटी मेडिसिन, जिसके अंदर एक गोली के अंदर 3 दवाइयां होती है और यह दवाई आपको 72 घंटे के अंदर ही चालू करना होता है, यानी कि 3 दिन के भीतर ही चालू करना होता है। यदि 3 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है तो आप यह दवाई चालू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। और सिर्फ यही दवाई नहीं, आप एक्सपोजर से 3 दिन के बाद दुनिया में किसी भी किस्म की दवाई से एचआईवी को नहीं रोक सकते। इसीलिए यदि आपका 3 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है एक्सपोजर से तो आप किसी भी किस्म की दवाई का प्रयोग ना करें। दुनिया की कोई भी दवाई 3 दिन के बाद एचआईवी प्रवेश यदि शरीर के अंदर कर चुका है तो उसको नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं यदि 3 दिन से कम वक्त है और आपको दवाई खाना है तो उस दवाई के बारे में। उस दवाई को जाना जाता है पीईपी के नाम से। यह एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका मतलब होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। कब चालू करना होता है?
72 घंटे से अंदर, 72 घंटे के बाद किसी भी दुनिया की किसी भी किस्म की दवाई का प्रयोग ना करें एचआईवी को रोकने के लिए। कितने दिन तक ये दवाई खाना होता है? आपको 28 दिन तक दवाई खाना होता है। हर रोज की कितनी गोली खाना होता है? हर रोज की एक गोली खाना होता है। इस एक गोली के अंदर कितने किस्म की दवाई होती है? तो 3 किस्म की दवाई होती है। दवाई का नाम क्या क्या है? उस एक गोली के अंदर है टीनोफोविर 300 mg, लैमिविडिन 300 mg और डॉल्टोग्राविर 50 mg। क्या इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट होती है? तो याद रखिए, दुनिया की जितनी भी दवाई है उसमें हर दवाई की साइड इफेक्ट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सबको साइड इफेक्ट होगा। आपको इस 28 दिन की दवाई लेने पर कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, या तो उसकी होने की संभावना हजारों लाखों में से एक है, लेकिन आपको वो एचआईवी के सामने सुरक्षा दे रही है, तो जो आपका बेनिफिट से फायदा है वो अनेक गुना ज़्यादा है। इसीलिए आपको साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा उस आधार पर दवाई खाना है कि नहीं खाना वो डिसाइड नहीं करना है, लेकिन आपको इस दवाई की ज़रूरत है या नहीं है उस आधार पर आपको यह दवाई लेना है। क्या पीपी दवाई चालू करने से पहले आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है? तो हाँ, आपको एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और वीडीआर का रिपोर्ट के साथ साथ आपको सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन, एचजीपीटी और शुगर का आरबीएस का रिपोर्ट भी कराना चाहिए। ये सभी टेस्ट के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और आपको जब पीपी दवाई चालू है तब भी कुछ टेस्ट कराने होते हैं 15 दिन के बाद, जिसमें एचजीपीटी, शुगर, क्रिएट और यूरिन का रिपोर्ट्स कराना होता है। आप एचआईवी का पीपी दवाई लिया है एचआईवी को रोकने के लिए, तो आप अपना एचआईवी का स्टेटस के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हो और कब कर सकते हो? इसके लिए आपको 2 बार टेस्ट करना रहेगा। एक बार 45 डेज पर एचआईवी कॉम्बो या तो एचआईवी डीओ टेस्ट, और 90 दिन के बाद वापस यही टेस्ट एचआईवी कॉम्बो या तो डीओ टेस्ट। याद रखिए, यदि आपने पीपी दवाई का इस्तेमाल किया है तो आप अर्ली डिटेक्शन में इस्तेमाल करने वाला टेस्ट जो पीसीआर क्वालिटेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है उस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपकी परेशानी का हल करने के लिए मददरूप होगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको सही, लेटेस्ट और साइंटिफिक ज्ञान देकर आपको एचआईवी एक्सपोजर के बाद जो भी डर है उसको दूर किया जाए और आपकी इस समस्या को हल किया जाए। और एक प्रेक्षक का सवाल था कि पीपी की दवाई की कीमत क्या होती है, तो याद रखिए, कभी भी पीपी की दवाई की कीमत 4000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, और आपको इसके लिए हजारों रुपये, 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही बोतल में आपको 30 गोली मिल जाएगी, उसकी कीमत 4000 से ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम हो सकती है। हर रोज की एक गोली खाना है, उसमें 2 गोली बचेगी वो आपको छोड़ देना है, क्योंकि एक बोतल में 30 दवाई आती है। मैं डॉक्टर केतन नारायण प्रिया, एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट, हम हर रोज शाम को हर रोज किसी नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आपको एचआईवी से जुड़ा डर को दूर करेंगे। थैंक यू।